जिम जाके 45 मिनट 60 मिनट ट्रेनिंग ता हर कोई करना चाहता है, जो बाकी दिन की डिसिप्लिन है वो हर कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल तुम फुटबॉलर हो, तुम 2 घंटे की ट्रेनिंग करते हो, देन आफ्टर दैट बाकी दिन का कोई इन्ना डिसिप्लिन नहीं चाहिए तुम्हें, तारी ट्रेनिंग मैटर करती है। बट बॉडी बिल्डिंग चाहिए कि ट्रेनिंग सिर्फ 45 to 60 मिनट्स ही होगी, बट जो 80% पार्ट है वो है पूरे रूटीन का डिसिप्लिन। हाई लेवल का बॉडी बिल्डर वो इस चीज़ को एग्री करेगा, बॉडी बिल्डिंग मेरा स्पोर्ट है तो मैं पार्टी करने जाना चाहता, बट मैं पता है मेरी स्लीप लैग होगी, मैं सोशलाइज करूंगा ज्यादा, मैं बाहर जाकर खाना ही पड़ेगा। ट्रेनिंग करनी है तो करनी है, डाइट बोरिंग लग रही है डजंट मैटर, तुम करनी पड़ेगी। सेम जो तुम उठ के आज कर रहे हो 1 साल बाद तक वही करते रहोगे। सत श्री अकाल सुनमीत, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। हां जी सत श्री अकाल। आई हैव नेवर एवर इंटरव्यूड अ बॉडी बिल्डर ऑन द शो, सो दिस इज गोना बी द फर्स्ट एवर इंटरव्यू। यू नो बहुत कुछ डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट यू नो एजुकेशन विच सीखने मिलेगा कुछ। सो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी, तुसी बॉडी बिल्डिंग विच किदा आए? एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग च कोई भी मतलब इंडिविजुअल जाता नहीं है डायरेक्टली, फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम लिफ्टिंग वेट्स। मतलब कोई भी एज ए स्पोर्ट्समैन हो तुसी, स्पोर्ट्समैन, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ सारा कुछ इंटररिलेटेड है। मैं भी जदों स्टार्ट किया सीगा, मैं एक स्पोर्ट्स परसन ही सीगा, मैं फुटबॉल करता हुंदा सीगा स्टेट लैवल ते, दैन आफ्टर दैट मेरी इंजरी हुई, दैन उस तो बाद मैं स्विच किया कि मैं जिम ट्रेनिंग करन लग गया, वेट लिफ्टिंग करन लग गया। दैन हौली हौली थोड़ा जा जो माइंड सैट है जाता रहा कि हाँ एक वेट लिफ्टिंग भी एक स्पोर्ट है, ठीक है, रिकोगनाइजेशन नहीं है वर्ल्ड वाइड बट स्टिल इट्स अ स्पोर्ट। ताडे यूएसए ही फॉरन ही सब तो ज़्यादा ये पॉपुलर है बॉडी बिल्डिंग। दैन आफ्टर दैट मैं बॉडी बिल्डिंग गया, स्टार्ट किया छोटे लैवल दे, डिस्ट्रिक्ट लैवल दे कॉम्पीटिशन तो। ये एवें भी नहीं है कि तुम फर्स्ट टाइम बॉडी बिल्डिंग करन जाओ तो वड्डे लैवल दे कॉम्पीटिशन खेल लेंदे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ताड़ी बॉडी नू बिल्डअप होने च ही बहुत ईयर्स लगते हैं। तो हर कोई बॉडी बिल्डर है, कोई भी तुसी लेजेंडरी बॉडी बिल्डर है या कोई बॉडी बिल्डर है आज के टाइम से कर रहा है, तो उसका ही आंसर होगा कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कह लो कि कोई स्पोर्ट्स या कोई अपना फिजीक बिल्ड करने, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने स्टार्ट की, दैन वो हौली हौली अपना पोटेंशियल देख देंगे बॉडी बिल्डिंग से, एंड वो कन्वर्ट हो गई उन्होंने पैशन तो लैके एक प्रोफेशन ते। तुसी हुणे कहा कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन नहीं मिलती बॉडी बिल्डिंग इन स्पोर्ट्स नो, व्हाई इज दैट? देखो बिकॉज ये बहुत टाइम टेकिंग स्पोर्ट है, मतलब एवें है कि दूजे स्पोर्ट की मैं कोई एक डिसरिस्पैक्ट नहीं कर रहा, बट स्टिल कोई भी तुसी गेम लोगे ना हर एक गेम च है, बट बॉडी बिल्डिंग च सारा कुछ ये उत्ते ही है। तुसी मान लो कोई भी बॉडी बिल्डिंग तो अलावा कोई भी स्पोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल तुम वेट लिफ्टिंग करते हो, पावर लिफ्टिंग भी एक स्पोर्ट है, वो भी कट रिकगनाइज ने। फॉर एग्जाम्पल तुम फुटबॉलर हो, तुम 2 घंटे की ट्रेनिंग करते हो, दैन आफ्टर दैट ताडा इन्ना कोई बाकी दिन का कोई इन्ना डिसिप्लिन नहीं चाहिए तुम, तारी ट्रेनिंग मैटर करती है ज़्यादा। बट बॉडी बिल्डिंग चाहिए कि ट्रेनिंग सिर्फ ताड़ी 45 to 60 मिनट्स ही होगी, बट बॉडी बिल्डिंग का जो 80% पार्ट है जो तुम बॉडी में एक्चुअली बिल्ड करता वो है ताड़ा डाइट डिसिप्लिन, ताड़ा मतलब पूरे रूटीन का डिसिप्लिन। तुसी इसी टाइम पर मील अपनी इनटेक करनी है, इसी टाइम पर सोना है, इसी टाइम पर ताड़ी रिकवरी होनी है, आ सप्लीमेंटेशन इस टाइम पर लेनी है, मतलब क्लॉक वर्क ते हुण कोई भी स्पोर्ट्स परसन है तू जो अपनी ट्रेनिंग तो अलावा बाकी टाइम है उसके वो कैसे भी स्पेंड कर सकता है, ठीक है। बट बॉडी बिल्डिंग च है कि तुसी ट्रेनिंग तो अलावा जेड़ा बाकी दिन है ताडे 24 आवर ने वो तुसी बिल्कुल कैलकुलेटेड वर्क ते चलते हो, ताडा क्लॉक वर्क ते काम चलता है, मेरी इन्ने बजे आ मील है, जिम जाने तो पहला इन्ने बजे आ मील है, उस तो बाद आ मील है, फिर आ टाइम ते आ मील है, दैन मैं रेस्ट नहीं लवांगा, मेरी बॉडी रिकवर नहीं होगी, मेरी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए है, कोई भी एक हाई लैवल का बॉडी बिल्डर होएगा जेड़ा एक वधिया लैवल ते वो इस चीज़ को एग्री करेगा कि बॉडी बिल्डिंग वास्ते डिसिप्लिन ही सारा कुछ है, बिकॉज जिम जाके 45 मिनट 60 मिनट ट्रेनिंग तो हर कोई करना चाहता है, वही है एड्रेनलिन रश मिलता है, सारे वधिया लगता है, मैस्कुलिन फील होता है, वो तो सारा हर कोई करना चाहता है, बट जो बाकी दिन की डिसिप्लिन है वो हर कोई नहीं कर सकता, तो ही हर कोई बॉडी बिल्डिंग परस्यू नहीं कर सकता एज अ स्पोर्ट। डिसिप्लिन की होंगे लाइक मेनली तुसी क्या डाइट राइट डाइट डिसिप्लिन इफ जे बंदे ने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वह कि डिसिप्लिन लैके आ सकता बिसाइड डाइट?
डिसिप्लिन इज देखो ट्रेनिंग करनी है तो करनी है, देन ठीक है तानू ट्रेनिंग बोरिंग लग रही है, डजेंट मैटर बोरिंग लग रही है बट करनी पड़ेगी, तानू डाइट बोरिंग लग रही है डजेंट मैटर तानू करनी पड़ेगी चाहे बोरिंग है। एक सिंपल जहा एग्जाम्पल है, मैं तानू कहाँ अज तुसी एक ही रूटीन फॉलो करना है फॉर अ ईयर, एक साल वास्ते सेम जो तुसी उठ के अज कर रहे हो एक साल बाद तक वही करते रहोगे, तुहाडे वास्ते कितना बोरिंग हो जाएगा। एंड बॉडी बिल्डिंग चाहे कि अज नहीं, मान लो अज मैं स्किल डेवलप कर ली कोई, मैं 3 महीने च कोई वधिया स्किल डेवलप कर सकदा कोई भी चीज़ है, बट बॉडी बिल्डिंग नू उन्ना ही टाइम लगना है जिन्ना लगना है मसल बिल्ड, एक मसल टिशू बिल्ड होने च पाए एक ग्राम है भावें 1 kg है, उन्होंने एक टाइम रिक्वायर्ड चाहिए ही चाहिए, तो वो बहुत लंबा टाइम होंगे। पेशेंस की गेम है, अज तुम जिम जा रहे हो एवं नहीं है कि कल तुम तुम्हारा मसल बिल्ड हो जाएगा रिजल्ट आने लग जाएंगे, आप जाने हाइप च 3 महीने जाए गए हैं हाँ बॉडी बिल्ड हो जाएगी, जिस नहीं रिजल्ट आते वो एक माइंड सैट होंगे कि हाँ 3 महीने की बॉडी बन जाती है या इन्ना मैं एक गोल लेके चलना है ये इन्ना फिजिक डेवलप हो जाएगा, बट वो होंगे नहीं है, ये बहुत टाइम टेकिंग स्पोर्ट है। 1 साल से 2-2 3-3 किलो मसल गेन होंगे, बॉडी वेट की गल अलग है, फैट फैट गेन करना इज ईजी बट मसल टिश्यू पुट ऑन करना बहुत मतलब बहुत टाइम टेकिंग है। तो ये डिसिप्लिन है कि तुम सारी चीज़ें हूँ तुम रिकवरी स्लीप नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आज मैं मेरा पार्टी करने का दिल है बट एज ए स्पोर्ट्स परसन मैं बॉडी बिल्डिंग मेरा स्पोर्ट है तो मैं पार्टी करने जाना चाहना बट मैं पता है मेरी स्लीप लैग होएगी, जिथे मैं 6-7-8 घंटे सोना है मैं उत्थे 3 घंटे सो सकाँगा, मेरी रिकवरी कैपेसिटी घटेगी, दैन आफ्टर दैट मैं अपनी मील इनटेक्स खराब होनी है, मैं सोशलाइज करूंगा ज़्यादा तो मैं बाहर जाके खाना ही पड़ेगा, दैन ड्रिंक वाली तो चलो वो गल डिफरेंट आ गई है, ओकेजनली तो हर कोई करता है ठीक है, हर स्पोर्ट्स परसन ही करता है हर कोई करता है, बट उस तो बाद अगला दिन भी वह खराब जाता है, सोन का टाइम डिफरेंट हो गया, सोन का उठन का टाइम डिफरेंट हो गया, दैन मील दी इनटेक टाइमिंग सारा कुछ हिल जाता है, तो ये डिसिप्लिन है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਟੈਪਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਆ ਬੇਸਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਫੋਰ ਅ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ IFBB ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਓਲੰਪੀਆ, ਉਹ USA 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, IFBB ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਮਝ ਲਓ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਸਟੇਟ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਸਟੇਟ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਓ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਓ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਹੀ IFBB ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਓਲੰਪੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਜ ਐਮਚਰ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਬਿਫੋਰ 16 ਜੂਨ, ਆ ਲਾਸਟ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ IFBB ਦੇ ਐਮਚਰ ਸ਼ੋਅ ਖੇਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ, ਦੈਨ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ 2-3 ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੋ, ਦੈਨ ਵਾਓ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣਾ, ਦੈਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੋ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਚ ਉਹ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਐਮੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਅਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੋ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੋ ਹੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਲਡ 'ਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਓਲੰਪੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੋ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋ ਖੇਡਿਆ ਜੂਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ,
देन मैं अपना प्रो कार्ड जीता, नेक्स्ट डे ही प्रो शो सीगा, देन मैं नेक्स्ट डे अपना प्रो शो खेडिया, उत्थे मैं थर्ड प्लेस किया। इफ मैं फर्स्ट आता उत्थे तां मैं क्वालीफाई हो जाता कि मैं ओलंपिया खेड सकदा। हुण वर्ल्ड चो सिर्फ 16 तो 17, मतलब ओपन बॉडी बिल्डिंग की गल की जाए तो मतलब 16 तो 30 मैक्स 30 बॉडी बिल्डर्स क्वालीफाई होंगे ओलंपिया खेडने वास्ते, जो कि अमेरिका च होंगे। फिर मेरी कैटेगरी है जी क्लासिक फिजिक खेडना, उस भी मतलब 30-40 बॉडी बिल्डर्स क्वालीफाई होंगे है। अगर किसी नू बॉडी बिल्डिंग विच आना है तो किदा अपने आप नू मेंटली ते फिजिकली प्रिपेयर कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो तुम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो, बिकॉज एक ये एवें का नहीं है कि तुम लाइक कोर्स नहीं है या कोई डिग्री नहीं है कि हाँ तुम 3 साल बाद तुम एक्चुअली जो भी तुम्हारा लास्ट स्टेज है ओलंपिया का या टाइटल है तुम जीती लोगे। ठीक है, मैनू अज 8 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हैं, एक्चुअली प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करते हैं 5 साल हुए हैं, तो मैं अज 5 साल बाद आके कोई मतलब जो एक रिकग्नाइज लेवल है वो मैं अचीव किया है। तो लोग की सब तो बड़ा इतने डीमोटिवेट होंगे ने कि सानू 2-3 महीने बाद ही 1 साल बाद या एक फर्स्ट कॉम्पिटिशन ही सानू एवं टाइटल जीतना है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ताडे हाथ से ताडा फिजिक नू बिल्डअप करना है, ताडा बेस्ट लियाना है, हुण जितना ना जितना वो ताडे हाथ से नहीं होंगे। ठीक है, बिकॉज तानू नहीं पता ताडे सामने कौन खेडन आ रहा है, कौन कंपीट करन आ रहा है, दैन उस टाइम ते स्पेसिफिक 20 मिनट्स वास्ते तुसी वधिया लगना है, अपनी ऑल ईयर बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट फिजीक शो अप करनी है। हो सकता है कईयां दी उस टाइम ते ना आए, तुसी अपनी पीक मिस कर दो, देन जजिस दा व्यू की उस टाइम ते जजिस की देखना चाहते हैं कैटेगरी वाइज, तुसी नाल वाले नालों की पता वधिया ना लग रहे हो। सो ये चीज़ा अपने हाथ च नहीं है, बॉडी बिल्डिंग सारा कुछ ताडे हाथ च होंदा है, तुसी डाइट करनी है, तुसी करनी है ताडे हाथ च है। ठीक है, एवं नहीं हो सकता कि हाँ उसकी वजह तो मेरी डाइट नहीं हुई, ताड़े हाथ से सारा कुछ, बट रिजल्ट ताड़े हाथ से नहीं होंगे। ताड़ा काम यही होंगे कि तुसी अपना लास्ट टाइम तो जो ताड़ा शेप सी ताड़ी जो बॉडी सी उन्होंने बीट करो, उस तो वधिया लैके आओ, देन तुसी अपने आप च ग्रोथ कर रहे हो, तो एक एक टाइम आएगा कि तुसी दूजे बीट कर दोगे। ठीक है, मतलब एक किस्मत भी है, एक 90% इनू कह लो कि तो ताड़ा शो अप करना ही है ताड़ी फिजीक बेस्ट लैके, बट उस तो बाद एक उस टाइम ते लक भी मैटर करता है कि तुसी बेस्ट लैके आए हो कि नहीं। सो सबसे पहले तो जिम में जाना स्टार्ट करो, देन अपना एक डिसिप्लिन क्रिएट करो कि मैं आज ट्रेनिंग करनी है, देन करनी ही करनी है, एंड ईटिंग हैबिट्स सुधारो अपनी, मील प्लान करो या खाना है, बिकॉज डाइट डिसिप्लिन तो उत्ते इस कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी तो उत्ते कुछ भी नहीं है इस। एवें नहीं है कि तुसी कोई भी चीज़ कर लोगे 4 दिन कर ली 5 दिन छड़ती, नहीं है, तुहानू रिजल्ट दिस जाएगा उस, तुसी आज 4 दिन ला के हफ्ता छड़ दोगे जिम भी डाइट भी, तुहानू रिजल्ट भी शो अप होएगा कि तुसी जिन्ना वधिया दिख सकते सी तुसी नहीं दिसे, तुहानू फैट गेन हो गया, तुहाडी परफॉर्मेंस जिम च डिक्लाइन हो रही है जस्ट बिकॉज तुसी ईटिंग अपनी हैबिट सुधार नहीं रहे, तुसी डाइट इनटेक नहीं कर रहे, तुसी स्लीप नहीं ले रहे हो। सो जिन्ना तुसी एफर्ट पुट करोगे तुहानू उहदा फायदा भी दिसेगा, शोप होएगा, तुसी नहीं कर रहे हो तुहानू वो भी दिस जाएगा। सो मेन तो है कि डिसिप्लिन बनाना, कोई स्पोर्ट है डिसिप्लिन बनाना इज मस्ट, ते ये है कि छड़ना नहीं गा, रियलिस्टिक गोल्स लैके चलो, ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये ना लैके चलो कि अज लाया तो कल नू बन जाएगा, कल नू वधिया रिजल्ट आणगे, मतलब अप एंड डाउन भी आते हैं, ताडी स्ट्रेंथ जाएगी, ताडे फिजीक च ब्रेक भी लगेगा, प्लेटो भी आएगा, सब सारी चीज़ आती है। सो बेटर यही है कि जुआ गेम च नॉलेजेबल बंदे ने, ठीक है, लेजेंड्स ने, उन्होंने फॉलो करो, उन्होंने सुनो, उन्होंने जर्नी कैसे है, एक्चुअली तुम जो जर्नी सुनते हो किसी की तुम्हें पता लगता है कि आ चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है, ये इनू भी आई सी परेशानी फिर मैनू आ रही है, कोई बड़ी गल नहीं है, बंदे का माइंड प्रिपेयर होंगे। तो अज के टाइम पर कोचिंग इज मस्ट, कि हूँ वही गल है, मेरे को गाइडेंस नहीं है, मान लो मेरे को गड्डी है पर गड्डी मैनू चलानी नहीं आती, मैं अपनी एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना सीगा, इफ मैनू गड्डी चलानी नहीं आती, मेरे तो स्टार्ट नहीं हो रही या मैनू अच्छी तरह ड्राइव नहीं करनी आती, मैं जितने 2 घंटे पहुंचना सीगा मैं उत्थे 5 घंटे ला दाँगा, तो वही गल है, तुसी कोई गाइड करने वाला होना चाहिए तुहानू कि हाँ वो मेरा वो एंड गोल है, मैनू उस ते पहुंचाओ, वो हेल्प करनगे तुहानू कि तुहाडा टाइम वेस्ट ना होए। एक्चुअली ये बिल्कुल ही हार्ड वर्क वाली गेम नहीं है, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, एवं नहीं है कि बस तुसी
ਪਾਗਲ ਵਾਂਗੂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੁੱਟ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ।